हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सफ़ेद मटर। अब इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 2 कप पानी और इसे हम इसी प्रकार से ढककर 7 से 8 घंटे फूलने के लिए छोड़ देते हैं। 8 घंटे बाद देख सकते हैं अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें पानी से अलग कर देते हैं। अब हमें इन्हें उबालना है, तो अब हम इन्हें कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें 3/4 कप पानी, थोड़ा सा नमक और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और 2 सीटी पकने देंगे। 2 सीटी आ गई तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और प्रेशर ख़त्म होने का वेट करते हैं। तो प्रेशर ख़त्म होने के बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए मटर हमारी अच्छे तरीके से उबल गई है। तो अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चना मसाला, थोड़ा सा नमक, नमक हमने उबालते वक्त भी डाला है, 1.5 चम्मच नींबू का रस। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए हमने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं छोले हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हम कुलचे बना लेते हैं। तो कुलचे बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, 1.5 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच ईस्ट पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच तेल। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी मैंने यहाँ पे गुनगुना लिया हुआ है और इसका सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा गूंदा है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और इसे ऊपर से इस तरीके से चिकना कर देंगे और इसे इसी प्रकार से ढककर 15 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। 15 मिनट बाद हम आटे को चेक कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे एक बार और मसल लेते हैं और हाथ में लगाएंगे सूखा आटा और बॉल के आकार का हमें डो लेना है। तो हम इसके पेड़े बना लेंगे और इसको मैदे से ऊपर से कोट कर लेते हैं सूखे मैदे से। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। हमें हल्का सा मोटा बेलना है। ये देखिए हमने एक कुलचे को बेल लिया है। अब मैं आपको इसे सेक के दिखाऊंगी। तो अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा कलौंजी और थोड़े से धनिया पत्ते से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। अब हम इसको बेलन से हल्के हाथों से बेल लेते हैं और इसकी जो नीचे वाली साइड है इस पर हम लगाएंगे पानी। देखिए इसे हम इस तरीके से पानी लगा लेंगे। उसके बाद जो पानी वाला हिस्सा है उसे हम तवे के ऊपर रखेंगे। तो तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इसे साइड से इस तरीके से दबा देते हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर सिकने देंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं। देखिए कुलचा हमारा एक साइड से सिक चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से ढककर 1 मिनट के लिए सिकने देंगे। तो चलिए अब हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी कुलचा कितने अच्छे तरीके से सिक गया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।